चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 20 जुलाई का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से रिपोर्ट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे भी जो एस्ट्रो टाइम्स वगैरह रहेंगे मैं आपको डालता रहूँगा। तो आज के जो एस्ट्रो टाइम्स अगर देखें तो यहाँ पे 10:20 AM और 1:10 AM, तो 10:20 से परफेक्टली यहाँ पे फॉल देखने को मिला। 1:10 से अगर देखें तो उसके यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड किया। सेकेंड हाफ में जिस तरह से ब्रेक कर दिया, एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए करता हुआ देखने को मिला। चलिए, अभी कल के लिए कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कस करने वाले। और यहाँ पे अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी न्यूज़ रिलेटेड, जो भी डेली का न्यूज़ वगैरह, स्टॉक्स वगैरह का रहता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, और लर्निंग पोस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है 19,833 पे, ऑलमोस्ट उसने जो लो लगाया जो कि 19,720 के आसपास का लगाया, अच्छा सा रिकवरी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी बेयरिश का साइन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल बना, उस रेड कैंडल का हाई के मतलब कल के हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी डे में क्या होता है देखने को मिलता है। चलिए, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूंगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से एक स्मॉल अगर ट्रेंड लाइन खींचो तो एक ट्रेंड लाइन आती है। यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट असेंडिंग टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बना है। कल अगर यहाँ पे जो 820 का लेवल है, सॉरी 19,820 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन कर दे टूअर्ड्स द 19,880 और 920 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 19,880 और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले तो यहाँ पे 800 तक का सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे निफ्टी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स ऑन करके रखे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 880 और 920 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ 800 का एक सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे 780 का जो लेवल एक सपोर्ट के लिए रहेगा। 780 के नीचे जाते हैं और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तभी एक बेयरिशनेस का व्यू मिल सकता है, जो कि 700 और 680 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, उसी तरह से निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या कहता है देखने को मिल रहा है। 850 और 800 के लेवल पे देखा जाता है। 800 के लेवल पे अगर देखो तो कॉल सॉरी पुट राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर देखो तो 900 के लेवल तक यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कल कोई भी बड़ा गैप अप भी होता है तो यहाँ पे कोई डिप मिलता है, उसके बाद भी अगर यहाँ डेटा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कॉल रेट ज्यादा बढ़ते नहीं तो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 850 के लेवल पे अगर देखें तो 85 लाख कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, मतलब कॉल राइटर यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे 24, तो 850 के लेवल पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी जो 800 का लेवल है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पुट राइटर 107 कॉल राइटर रह गए, और यहाँ पे चेंज इन ओआई मतलब इंट्राडे का रहता है और यह पोजिशनल का रहता है। तो पोजिशनल के लिए 19,800 भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहा है, इस सपोर्ट को अगर सपोर्ट लेते हैं तो बाय ऑन डिप यहाँ पे आप जा सकते हैं डेटा के हिसाब से। चलिए, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी डेली कैंडल स्टिक में क्या करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेली कैंडल स्टिक में अगर बैंक निफ्टी देखे तो अच्छा सा यहाँ पे इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन बना है। देख सकते हैं यहाँ पे 45,900 का हाई है और नीचे की तरफ 45,300, इसके अंदर ही ट्रेड करता है। जब इसके ऊपर या नीचे निकलेगा तब एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे कि क्या पैटर्न वगैरह बनता हो देखने को मिल रहा है। मेरे जो लेवल से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करते हुए अच्छा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे आज क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज का अगर अगर देखे तो आज अगर देखे तो एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर देखे तो 45,700 और नीचे की तरफ 45,400 का लेवल है। यहाँ पे बॉक्स है, कल समझो यहाँ पे इसी रेंज में ओपन होता है। देखो कल इसी रेंज में ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, 45,950 का रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ यहाँ पे 45,200 का सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे साइडवेज की कोशिश देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट देखिए, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 45,900 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तभी एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। बैंक निफ्टी का अगर डेटा अगर देखें तो बैंक निफ्टी का डेटा के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, 45,800 का लेवल है। तो यहाँ पे देखें तो 33% यहाँ पे कॉल रेट है, पुट रेटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट अगर देखें तो 46,000 पे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे को देखने को मिल रहा है 45,500 के लेवल पे। यहाँ पे पुट राइटिंग भी अच्छा से देखने को मिल रहा है, इंट्राडे में भी यहाँ पे ओआई चेंज देखने को मिल रहा है। तो 45,500 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, इसके नीचे जाता है तभी एक बेरिशनेस का साइन यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए, अभी फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी के कौन से लेवल इंपोर्ट रहेंगे, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल बनाए और जब तक इसके ऊपर जाएगा एक बड़ा और इसके नीचे जब तक नहीं आता तक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे डेली में इनसाइड कैंडल है, उसके हाई और लो को ब्रेक करेगा तभी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा।
15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, मैं लेवल्स थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन खींचता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्मॉल एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को अगर देखें और ऊपर की तरफ से अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचता है, सिमेट्रिकल टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। देखो सिमेट्रिकल टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसी रेंज में चल रहा है, जिस तरह से बैंक निफ्टी साइडवेज है तो फिर निफ्टी थोड़ा साइडवेज है। कल को ब्रेक डाउन करता है तो देखिए रिटेस्ट करके तभी एक अच्छा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम रहेगा, और जस्ट ब्रेक भी करता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर फिर से फॉल करता है तो फिर निफ्टी में एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ पे नजर बना करके ऊपर की तरफ 520 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद में 600 का, लेकिन अदरवाइज नीचे की तरफ 240 200 का सपोर्ट रहेगा और उसके 20,080 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इंट्राडे के जो भी लेवल्स रहेंगे आपको मैं यहाँ पे मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि एजुकेशन पर्पज है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो जिन लोगों ने आपको ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जो कि एस्ट्रो टाइम्स वगैरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आपको यहाँ पे डालता रहता हूँ। जिन लोगों ने प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया एजुकेशन पर्पज तो आप यहाँ पे प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी कोई भी ट्रेड वगैरह ले रहे हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पूछ कर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है डिस्क्लेमर यहाँ पे पढ़िए और उस हिसाब से ही आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी देखा तो अभी फिन निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। फिन निफ्टी का डेटा अगर देखें तो ऑलमोस्ट कॉल राइटिंग के अगेंस्ट अगर देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे ज्यादा है, तो जिस तरह से बैंक निफ्टी उसी तरह से 350 300 का जो लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, ऊपर की तरफ 20,500 डे के 500 को ब्रेक करता है नहीं वहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 500 का वो सस्टेन करता है तो एक बुलिश मोमेंटम रहेगा, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जल्दबाजी में ट्रेड मच जाए, रिटेस्ट को आता है तभी एक यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो उस तरह से अपन यहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। तो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल है किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आपको लेवल बता दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।